सीबीआई डायरेक्टर पद से आलोक वर्मा की छुट्टी कर दी गई है। रिश्वतखोरी और काम में लापरवाही के आरोपों के आधार पर उन्हें पद से हटाया गया। सीबीसी ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। ये भी आरोप लगाया था कि वर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े आईआरसीटीसी मामले में एक अधिकारी को बचाने का प्रयास भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को सिलेक्शन कमेटी की बैठक में 2-1 से ये फैसला लिया गया। पैनल में मौजूद पीएम मोदी और चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद जस्टिस एके सिकरी वर्मा को हटाने के पक्ष में थे। वहीं पैनल के तीसरे सदस्य के तौर पर मौजूद लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आलोक वर्मा को हटाने के विरोध में थे। उन्होंने समिति को विरोध की चिट्ठी भी सौंपी। पैनल ने पाया कि सीवीसी ने आलोक वर्मा पर गंभीर टिप्पणियां की है। पैनल को लगा कि वर्मा जिस तरह से संवेदनशील संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने वैसा आचरण नहीं किया। पैनल के मुताबिक सीबीसी को लगा कि मोइन कुरैशी मामले में आलोक वर्मा की भूमिका संदेहास्पद है। आईआरसीटीसी केस में सीबीसी को ये लगा कि जानबूझकर वर्मा ने एक नाम हटाया है। फिलहाल उन्हें डीजी फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड का बनाया गया है। आलोक वर्मा पर क्या है सीबीसी की रिपोर्ट? जांच एजेंसी के 50 साल से अधिक के इतिहास में ये अपनी तरह का पहला मामला है। सीबीसी की जांच रिपोर्ट में खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा की गई टेलीफोन निगरानी का हवाला दिया गया। सीबीसी रिपोर्ट में विवादित मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले का जिक्र किया गया और दावा किया गया कि इस मामले पर गौर कर रही सीबीआई टीम हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना को इस मामले में आरोपी बनाना चाहती थी, लेकिन वर्मा ने मंजूरी नहीं दी। इस मामले में जांच विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के नेतृत्व में की गई। अस्थाना और वर्मा को 23 अक्टूबर से छुट्टी पर भेजा था। अधिकारियों ने कहा कि सीबीसी रिपोर्ट में बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा फोन पर पकड़ी गई बातचीत का भी जिक्र है। खास बात यह है कि सना अस्थाना के खिलाफ दर्ज मामले में शिकायत करता है। उसने इस मामले में अपने बिचौलियों को दी गई रिश्वत के बारे में जानकारी दी थी। उसने रॉ के दूसरे शीर्ष अधिकारी सामंत गोयल के नाम पर भी जिक्र किया, जो बिचौलिए मनोज प्रसाद को बचाने में कथित रूप से शामिल थे। एक अन्य मामला सीबीआई द्वारा गुड़गांव में भूमि अधिग्रहण के बारे में दर्ज शुरुआती जांच से संबंधित है। सीबीसी ने आरोप लगाया कि इस मामले में वर्मा का नाम सामने आया था। सीबीसी ने इस मामले में विस्तृत जांच की सिफारिश की थी। सीबीसी ने यह भी आरोप लगाया था कि वर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े आईआरसीटीसी मामले में एक अधिकारी को बचाने का प्रयास भी किया था। आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि वर्मा सीबीआई में दागी अधिकारियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं।